नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम का बिजी शेड्यूल के बारे में। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आ जाते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आप सभी तो जानते ही हो कि इंडिया हीरो ट्राई नेशन जीत गया था, जो कि तीन नेशन के बीच खेला गया था, एक म्यांमार, एक किर्गिस्तान, और इंडिया दोनों में ही जीत गया था। अब इंडिया के सामने बहुत टफ चैलेंजेस आने वाला है। बहुत टाइम के बाद इंडिया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऑल टोटल 5 से 6 टूर्नामेंट खेलने वाली है, वो भी एक ही साल में। जैसे हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप, फिर मर्डर का कप, फिर किंग्स कप, फिर साफ कप, फिर एशियन कप क्वालिफायर्स एसेट्रास। आज हम किंग्स कप के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, किंग्स कप एक टूर्नामेंट है जो हर साल थाईलैंड में ऑर्गेनाइज होता है। ये टूर्नामेंट 4 नेशंस के बीच खेला जाता है। उसमें से थाईलैंड होता है जो टूर्नामेंट का होस्ट नेशन होता है, और बाकी 3 नेशंस इनवाइटेड होता है। बाकी बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं किंग्स कप में, जैसे कि साउथ कोरिया, फिर जापान, इंडिया, पोलैंड, गैबॉन, ब्राज़ील और भी बहुत सारे। और तो और दोस्तों, एक चीज़ सुन के आपको काफ़ी हैरान वाली बात होगी, वो ये है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े लेवल के स्टार्स खेल गए हैं किंग्स कप, जिसमें से रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, फिर पियरे एमेरिक ओबेयामांग का नाम भी शामिल है। और तो और दोस्तों, थाईलैंड 15 बार चैंपियंस रह चुकी है किंग्स कप में, जो हाईएस्ट है अमोंग अदर कंट्री। इस साल इंडिया 49th एडिशन खेलेगा, जो होगा 4 नेशन के बीच। उनमें से थाईलैंड जो है वो होस्ट होगा, और बाकी 2 देश है जो कि है लेबनन और यूएई। किंग्स कप के मैचेस और इंडियन अंडर 23 के मैचेस, दोनों का डेट क्लैश हो रहा है। इसका ये भी मतलब निकलता है कि इंडिया दोनों, यानी सीनियर टीम और अंडर 23 टीम के लिए दोनों अलग अलग टीम्स भेजेगा। तो शायद ये हो सकता है कि दोनों टीमों में अलग अलग प्लेयर्स को चांस मिल सकता है। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के बाकी के अपकमिंग टूर्नामेंट्स को कवर करेंगे। अगर यहाँ पे हमने कुछ मिस कर दिया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अलग टॉपिक पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी लिखिएगा, हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी भाइयों सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है टू मेक मोर वीडियोस इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू ब्रिंग आउट मोर न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए यहाँ पर खत्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। जय हिंद।